सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो जरा हम पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का मतलब क्या है। देखो भाई, लेट जस्ट सपोज, अच्छा ये हमें पता है कि एक कैपेसिटर क्या होता है। लास्ट क्लास में हम मतलब ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक प्लेट पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरी वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, दूसरी वाली प्लेट पे चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। तो लेट सपोज हमने एक पैरेलल प्लेट कंसिडर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लिया जिसका एक कैपेसिटेंस हमने सी माना, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं इसकी प्लेट्स पर कितने हैं चार्जेस, चार्जेस कैसे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं। तो मान लेते हैं ये प्लेट वन है जिसको हमने प्लस क्यू मार्क कर लिया, लेट प्लेट वन इज मार्क्ड एज पॉजिटिव, और ये दूसरी हमने मार्क कर ली एक प्लेट टू, एंड लेट प्लेट टू इज मार्क्ड एज नेगेटिव। और आपको पता है जब भी चार्ज मतलब हमने वन को प्लस क्यू मार्क किया है, टू को माइनस क्यू मार्क किया है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। भाई फॉर्मूला पता है ना अपने को, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला होता है, तो वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी बचा, यस और नो? यस सर। यस सर। स्टार्टिंग अगर लाइक दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो स्टार्टिंग कुछ ये है इसकी कि कंसिडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। हमने कैपेसिटर कंसिडर किया, कैपेसिटर मतलब क्या है भाई, पढ़ चुके हो आप पहले ही ऑलरेडी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जिसमें दो प्लेट्स होंगी पैरेलल होंगी और उनके बीच में कोई सेपरेशन होती है, ठीक है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या क्रिएट होती है, हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, हमने कैपेसिटर कंसिडर किया जिसका कोई कैपेसिटेंस है सी, उस पर चार्जेस कितने, प्लस माइनस क्यू। तो लेट प्लेट वन इज मार्क्ड एज पॉजिटिव, तो ये जो प्लेट वन है इसको हमने पॉजिटिव मार्क किया और प्लेट टू इज मार्क्ड एज नेगेटिव, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। इसको करेक्ट करना, ये स्मॉल क्यू नहीं है, ये कैपिटल क्यू है, क्योंकि हम एक काम करता हूँ, मैं चार्ज को ही स्मॉल ले लेता हूँ क्योंकि फिर वहां पे करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेट सपोज ये कुछ है, इसको सेम ही रहने देते, तो सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज, अच्छा यार फिर ये दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो इसको सेम ही रहने दो, दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको करेक्ट कर लेना, आई गेस ये नोट्स में भी मिस्टेक थी आपके, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ प्लीज समझना ध्यान से, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वगैरह वगैरह कुछ, आई डोंट थिंक सो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? नो सर। नाउ अब देखो क्या है, यहाँ पे सवाल आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, देन लेटर ऑन वी विल सी अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, की एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चक्कर क्या है यार, यहाँ पे हमें समझना है कि यार ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता कैसे है। देखो भाई, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा, जहां पर भी आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ क्या डेवलप होती है, या कुछ ना कुछ क्या स्टोर हो जाती है उस वर्क की वजह से, कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है, यस और नो? यस सर। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन एग्जिस्ट करती है किसी भी कैपेसिटर में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब यहाँ पर वर्क डन कैसे होगा वो समझ लेते हैं जरा, कि यहाँ पर वर्क डन होगा कैसे। लेट जो सपोज एक छोटा सा चार्ज है, और वो छोटा सा चार्ज है, मान लेते हैं छोटा सा चार्ज है कितना, डी क्यू। भाई पता है ना डी क्यू, दैट इज छोटा सा चार्ज। अब इस छोटे से चार्ज को हम नेगेटिव प्लेट से किसकी तरफ लेके आना चाह रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसा काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आ जाएगा। सवाल होता है कि वर्क कैसे करना पड़ रहा है, तो उसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लेके चलना चाहती है, ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, यस और नो? बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव होता है, तो अगर एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को आपको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर लेकर जाना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाने देगी उस छोटे से चार्ज को? नो सर, फील्ड नहीं लेकर जाने देगी।
क्यों नहीं लेकर जाने देगी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है मेरे साथ या मेरी सेम डायरेक्शन में कौन सा चार्ज चले, पॉजिटिव चार्ज चले। बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ ना? और वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो देखो बिल्कुल वही लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप जस्ट नीचे वाली लाइन पढ़ो कि नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, अगर आपको एक छोटा सा चार्ज डी क्यू भी ट्रांसफर करना है कहाँ, कौन सी प्लेट से, सवाल आता है कौन सी प्लेट से, आंसर है कौन सी प्लेट से भाई, नेगेटिव प्लेट से। कौन सी प्लेट पे ट्रांसफर कराना है, पॉजिटिव प्लेट पर ट्रांसफर कराना है। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज वर्क हैज टू बी डन, और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बात समझ आ गई सभी को कि वर्क कैसे करना पड़ रहा है हमको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को इतना? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्यू, छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कराना है तो वर्क आपको करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एक सेकेंड यार, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डी क्यू, भाई चार्ज छोटा सा लेके जा रहे हो तो वर्क डन भी तो छोटा सा ही होगा ना यार, बड़ा वर्क डन तो हो नहीं सकता। यस और नो? यस यस। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू, यार ये फॉर्मूला कहां से लिख दिया हमने, ये होता है कुछ फॉर्मूला, होता है कोई फॉर्मूला, कोई बताएगा कहां से लिख दिया हमने फॉर्मूला डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू? सर dW by Q naught is equals to V वाला फार्मूला शायद करो, VW divided work done divided by charge is equals to potential difference था ना, याद आया? Yes sir। potential difference में हमने पढ़ा हुआ है। Yes sir। तो भाई potential difference कितना है दोनों plates के बीच, ये है ना V is equals to Q by C। जब potential difference V है तो dW छोटा सा वर्क डन छोटा सा चार्ज आ रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना हुआ है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना हुआ है v। समझ आया स्टेप सभी को? यस सर। तो dW इज इक्वल्स टू v dq, v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है व्हिच इज q बाय c डॉट dq। तो ये तो छोटा सा वर्क डन हो गया, तो देयरफॉर नेट वर्क डन अगर आप निकालोगे यहां पे, तो नेट वर्क डन के लिए इस छोटे से वर्क डन को हम क्या कर देंगे, बस सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो Q by C dot dQ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 by C इंटीग्रेशन ऑफ Q dot dQ। अब देखो यार, अब आप बच्चे तो रहे नहीं कि आपको इसका इंटीग्रेशन बताया जाए, तो बता दो आप कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा Q dQ का। U square by 2. तो एक वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया W is equals to Q square by 2C. एक ये फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको और दूसरा फॉर्मूला कब यूज करना है, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन स्टोर हो जाएगा आपका एनर्जी की फॉर्म में, तो ये वर्क डन है, तो देयरफॉर आपकी जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। ये समझ आई बात सभी को? यस सर। ओके, अब ये हम यूज करते हैं, ध्यान रखना ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब आपको कैसा कॉम्बिनेशन दिया होगा रेजिस्टर्स का, जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया, तो आपको एनर्जी का या वर्क डन का कुछ भी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सर रेजिस्टर्स का या फिर कैपेसिटर्स का? कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर्स का। तो जब आपको कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है,
नहीं दिया हो तो क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, डेरिवेशन पूरी एंड तक ही करनी पड़ेगी। तो यू इज इक्वल्स टू क्यू का एक फॉर्मूला होता है, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, सभी को पता है। Yes, sir. Yes, sir. E square, V square. कैसे पुट किया हमने, क्योंकि Q किसके इक्वल होता है भाई, क्योंकि Q इक्वल होता है यहाँ पे किसके, सी वी के, ठीक है। Q यहाँ पर किसके इक्वल है, Q है यहाँ पर सी वी के इक्वल। एक सेकेंड, Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो इस C से ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बची एनर्जी की एक्सप्रेशन, आपके पास एनर्जी की एक्सप्रेशन बची U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। और ये आपको एक्सप्रेशन तब यूज करनी है जब कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स का। इतने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ओके, तो ये थी एक्सप्रेशन किसकी, जो अभी हमने पीछे निकाली, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझ, कोई दिक्कत है किसी को प्लीज बता दो, अभी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरियसली, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आती है यहाँ पे कभी कभी हमसे एनर्जी के साथ साथ एनर्जी डेंसिटी भी पूछ लेता है, भाई बताओ इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखो भाई आपसे जब भी डेंसिटी की बात की जाए, जब भी आपसे कुछ भी डेंसिटी लाइक क्या बोलते हैं डेंसिटी की बात की जाए, जैसे एनर्जी डेंसिटी जैसे यहाँ पे बोला हुआ, इसका मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई, एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को अगर डिफाइन करना है तो ये इसको कैसे डिफाइन करोगे, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ किस किस का रेशियो है, एनर्जी का और किसका, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बोलो भाई किस किस का रेशो है यहाँ पे, वॉल्यूम और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का रेशो किससे है, टू द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो रेशो होता है एनर्जी स्टोर्ड का किससे, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, समझ आया सभी को, बोलो। यस सर। तो यू कितना है यहाँ पर, यू है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, सवाल आता है वॉल्यूम क्या है, यार याद करो कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है हम मान के चलते हैं ए, और इसकी जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है उस सेपरेशन को अपन मान के चलते हैं डी, हाँ या ना, यही तो मान के चलते हैं। तो AD. बहुत बढ़िया, वॉल्यूम हो गई AD। क्या कुछ यहाँ पर बन पा रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं बन पा रहा, तो हम एक काम करते हैं C की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। C की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली डेरिवेशन याद करो, जहां पर हमने निकाला था C की एक्सप्रेशन निकाली थी, क्या निकाली थी C की एक्सप्रेशन, विच वॉज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, याद आया कुछ, A एप्सिलॉन नॉट बाई D AD, और यहां पर क्या है V square। तो भाई A से A कैंसिल आउट हो गया, तो nu is equals to okay half into क्या बचा, epsilon naught into V by D का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको अपन। यस सर। D square बनेगा तो V सर, एक बार इसे पिछले वाला स्टेप वापस समझा दो। एक मिनट भाई, एक मिनट, तो v बाई डी का होल स्क्वायर बना यहाँ पे,
अब yes, sir. फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? V is equals to ED. ED. तो V by D किसके इक्वल बन गया? E. E के. तो एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट V by D किसके इक्वल है? E. तो स्क्वायर करने पे कितना हो गया? U is equals to half epsilon naught E square. So this is the expression for the energy density. और ये पीछे जो आपने पढ़ी U is equals to half C V square और Q square by 2 C, ये है किसकी formula यहाँ पे? Energy stored in the capacitor. Clear हो गया सभी को? कोई दिक्कत इसमें? Yes sir.